हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त। तो जल्दी से जल्दी सभी के सभी लाइव आ जाओ और अब अपनी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले की तरह बिल्कुल बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाने वाले हैं आपको। सेटलमेंट ज्योग्राफी चल रहा था हमारा, और सेटलमेंट ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसको हम बिल्कुल कंटिन्यू करने वाले हैं। और कल मैंने जो पढ़ाया था उसमें मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया था लुईस मैम्फर्ड के बारे में, और इन्होंने नगर के विकास की अवस्थाएँ बताई थी। और इन्होंने बताया था कि ईओपोलिस होता है, पोलिस होता है, मेट्रोपोलिस होता है, मेगापोलिस होता है, टायरनोपोलिस होता है और नेक्रोपोलिस होता है। नेक्रोपोलिस में इन्होंने बताया था कि नगर कंप्लीट रूप से उजड़ चुके होते हैं, वो कंप्लीट रूप से शमशान घाट में बदल चुके होते हैं। ठीक है, तो यदि आपने मेरी कल वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार कल वाली क्लास ज़रूर देखें। और यदि आप मेरी कल वाली क्लास देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। और बैच ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा चार्ज पे करना पड़ेगा। यदि आप नेट जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी का बैच लेते हो तो चार्ज ओनली 500 रुपये, कॉलेज लेक्चरर के लिए लेते हो तो चार्ज ओनली 800 रुपये। ठीक है, कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, सब कुछ बहुत शानदार तरीके से हमारा कंप्लीट होने वाला है। अब आप बोलोगे कि सर बैच कैसे लें, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है आपकी नज़र के सामने, 7891935070। क्या है ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं आपकी नज़र के सामने जिगर के पास में, 7891935070। अब देखो यहाँ पर हम कुछ बातें पढ़ने वाले हैं। बातें क्या हैं? मैम्फर्ड ने गिडस महोदय के प्रभाव से आर्थिक विकास की अवस्थाओं के आधार पर भी नगरों की विकास की अवस्थाओं को वर्गीकृत किया था। जो लुईस मैम्फर्ड था उन्होंने गिडस महोदय के प्रभाव से आर्थिक विकास की अवस्थाओं के आधार पर भी नगरों की विकास की अवस्थाओं को वर्गीकृत किया था। लुईस मैम्फर्ड ने क्या किया था? गिडस महोदय के जो प्रभाव था, गिडस महोदय का जो प्रभाव था उसके आधार पर विकास, आर्थिक विकास की अवस्थाओं के आधार पर नगरों के विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया था। और इन्होंने जो गिडस महोदय थे उन्होंने सॉरी लुईस मैम्फर्ड महोदय ने नगरों के विकास की ये कुछ अवस्थाएं बताई थी जिनको हम आपके साथ पढ़ने वाले हैं। नगर के विकास की आर्थिक अवस्थाएं हैं ये, जो गिडस महोदय का जो मॉडल था उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊं यहाँ पर, सबसे पहले अत्यंत प्राचीन अवस्था। इस अवस्था में उत्पादन हेतु पवन, जल, लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। जो अत्यंत प्राचीन अवस्था है, इस अवस्था में उत्पादन के लिए या तो पवन का उपयोग किया जाता था, जल का उपयोग किया जाता था, लकड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो जो अत्यंत प्राचीन अवस्था है उसमें पवन, जल, लकड़ी आदि का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद आता है पूर्व तकनीकी अवस्था। पूर्व तकनीकी अवस्था में क्या होता था? इस अवस्था में उत्पादन हेतु लोहे तथा कोयले का प्रयोग किया जाता था। देखो, पहली अवस्था में लकड़ी, पवन और जल का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद आती है पूर्व तकनीकी अवस्था। पूर्व तकनीकी अवस्था में लोहा और कोयले का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद तुरंत बाद आती है अगली अवस्था। ठीक है, तो देखो क्या हुआ कि जो पूर्व तकनीकी अवस्था थी, पूर्व तकनीकी की अवस्था को एक महोदय थे डिकन्सन। कौन थे? डिकन्स महोदय थे। और डिकन्स महोदय ने क्या किया, इस पूर्व तकनीकी अवस्था को कोयले की कस्बे की संज्ञा दी थी। क्या दी थी? कोयले की कस्बे की संज्ञा दी थी। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि पूर्व तकनीकी अवस्था को कोयले के कस्बे की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो यह संज्ञा दी गई थी डिकन्स महोदय के द्वारा। किसके द्वारा? डिकन्स महोदय के द्वारा। उसके बाद आया था तीसरे नंबर पर नई तकनीकी अवस्था। कौन सी आई थी तीसरे नंबर पर? नई तकनीकी अवस्था। इसमें एल्यूमिनियम, टंगस्टन धातु का उपयोग प्रारंभ हुआ था। जो नई तकनीकी अवस्था थी, इस अवस्था में देखो, पहली अवस्था में क्या था? लकड़ी का, जल का और पवन का उपयोग हो रहा था। दूसरी अवस्था में थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया काम, और दूसरी अवस्था में किसका उपयोग किया जाने लग गया? लोहे का और कोयले का उपयोग। उसके बाद तीसरी अवस्था आई। तीसरी अवस्था में भाई साहब एल्यूमिनियम और टंगस्टन की धातु का प्रयोग प्रारंभ हो गया। ठीक है, और इसका प्रारंभ हुआ था 1880 के बाद। जो नई तकनीकी अवस्था थी वो कब आई थी? 1880 के बाद में आई थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं चौथी, जैविक अवस्था। जैविक अवस्था में क्या है भाई साहब?
इस अवस्था में भौतिक विज्ञान की अपेक्षा औषधि विज्ञान का उपयोग बढ़ा। और जब जैविक अवस्था आई तो जैविक अवस्था में क्या हुआ, जैसे जैविक अवस्था आई तो इस अवस्था में क्या हुआ भाई साहब, भौतिक विज्ञान की अपेक्षा औषधि विज्ञान का उपयोग बढ़ गया। क्या हो गया, भौतिक विज्ञान की अपेक्षा जो औषधि विज्ञान है उसका उपयोग बढ़ने लग गया, उसका उपयोग बढ़ना प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो यह था कुछ अवस्थाओं के बारे में जो हमें अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मैमफोर्ड की शहरी सभ्यताओं के संदर्भ में विचार। ठीक है, मैमफोर्ड की शहरी सभ्यताओं के संदर्भ में कुछ विचार हैं, जिसमें पहला विचार है कि शहरी संस्कृति के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, शहरी संस्कृति के संदर्भ में मैमफोर्ड ने बताया कि शहर पृथ्वी का उत्पाद है, प्रकृति का एक तथ्य, मनुष्य की अभिव्यक्ति का तरीका है। ये लाइन आपको पूरी की पूरी अच्छे से याद करनी है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो इस सिचुएशन में हम क्वेश्चन सही कब करेंगे, जब हमें पता होगा कि कौन सा कथन किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो लुईस मैमफोर्ड ने शहरी संस्कृति के संदर्भ में बताया कि शहर पृथ्वी का उत्पाद है, प्रकृति का एक तथ्य, मनुष्य की अभिव्यक्ति का तरीका है। ठीक है, उसके बाद मैमफोर्ड महोदय ने, किसने, मैमफोर्ड महोदय ने आदर्श शहर के रूप में मध्ययुगीन शहर को प्रस्तुत किया। और जो लुईस मैमफोर्ड महोदय थे, इन्होंने आदर्श शहर के रूप में मध्ययुगीन शहर को प्रस्तुत किया और बताया कि आधुनिक शहर रोमन शहर से काफ़ी करीब है, जिसका पतन हो गया है। ठीक है, मैमफोर्ड महोदय ने आदर्श शहर के रूप में मध्ययुगीन शहर को प्रस्तुत किया और बताया कि भाई आधुनिक शहर रोमन शहर के काफ़ी करीब है, जो आधुनिक शहर है ना वो रोमन शहर के काफ़ी करीब है और जिसका पतन हो गया है। ठीक है, ये बातें थोड़ी थोड़ी याद करने की हैं, क्योंकि हम बहुत ही लेवल से पढ़ रहे हैं, चाहे कितना भी डीपली क्वेश्चन पूछे हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम जेआरएफ ही हमारा टारगेट नहीं है कि चलो हम जेआरएफ लेके बैठ गए, हमें लेक्चरर बनना है, स्कूल लेक्चर नहीं बोल रहा मैं, कॉलेज लेक्चरर बनना है। ठीक है, यदि आप जेआरएफ निकाल रहे हो फिर स्कूल लेक्चरर बन रहे हो, मज़े वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी मज़े वाली बात नहीं है। जेआरएफ निकाल रहे हो तो कॉलेज लेक्चरर के सपने देखो, ठीक है, न कि किसके, स्कूल लेक्चरर के, नो, स्कूल लेक्चर नहीं बनना, फिर हमें कॉलेज लेक्चरर बनना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, पैट्रिक गिडिस मोदे ने 1931 में नगरीय विकास के युगों को तीन वर्गों में विभक्त किया था। पैट्रिक गिडिस मोदे ने 1931 में नगरीय विकास के युगों को तीन वर्गों में विभक्त किया था। पहला था इयोटेक्निक, दूसरा था पैलियोटेक्निक और तीसरा था नियोटेक्निक। ध्यान रखना है, ये हिंदी के शब्द मत याद करो, चाहे इंग्लिश के शब्द याद कर लो, यहाँ पर इयोटेक्निक, पैलियोटेक्निक और नियोटेक्निक। ठीक है, तो मैं पूरा एक बार दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैट्रिक गिडिस मोदे ने 1931 में नगरीय विकास के युगों को तीन भागों में विभाजित किया था। पहला था इयोटेक्निक, दूसरा था पैलियोटेक्निक और तीसरा था नियोटेक्निक। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने, अब आ जाते हैं ग्रिफिथ टेलर महोदय, ग्रिफिथ टेलर ने 1953 में, कब, 1953 में नगरों के विकास की टोटल 7 अवस्थाएं बताई थी। ग्रिफिथ टेलर ने 1953 में नगरों के विकास की टोटल 7 अवस्थाएं बताई थी, और हम उन सातों की सातों अवस्थाओं का जिक्र करने वाले हैं यहां पर, जिसमें सबसे पहली अवस्था थी पूर्व शैशवावस्था। सबसे पहली अवस्था कौन सी थी, पूर्व शैशवावस्था, दूसरी थी शैशवावस्था, तीसरी थी बाल्यावस्था, चौथी थी किशोरावस्था, पांचवी थी प्रौढ़ावस्था, छठी थी उत्तर प्रौढ़ावस्था और सातवीं थी वृद्धावस्था। ठीक है, तो ग्रिफिथ टेलर ने टोटल नगर के विकास की 7 अवस्था बताई थी, जिसमें पहली पूर्व शैशवावस्था थी, दूसरी शैशवावस्था थी, तीसरी बाल्यावस्था थी, चौथी किशोरावस्था थी, पांचवी प्रौढ़ावस्था थी, छठी उत्तर प्रौढ़ावस्था थी और सातवीं वृद्धावस्था थी। हमें इन सातों अवस्थाओं को अच्छे से याद रखना है।
अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, देखो टॉपिक बहुत प्यारा है, ये नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है कि विकसित और विकासशील देशों में नगरीकरण की विशेषताएं। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि भाई जो विकसित नगर हैं और जो विकासशील सॉरी जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं वहाँ पर नगर की क्या क्या विशेषताएं हैं, विकसित देशों में नगर की क्या विशेषताएं हैं, विकासशील देशों में नगर की क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा आराम से बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, एक एक करके पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। देखो विकसित तथा विकासशील देशों के नगर नियोजन में अंतर पाया जाता है। बहुत प्यारी बात लिख दी यहाँ पर कि विकसित और विकासशील देशों के जो नगर नियोजन है उसमें अंतर पाया जाता है। नगर नियोजन का मतलब होता है नगरों को डिजाइन करने का एक तरीका, ठीक है। तो विकसित देशों में और विकासशील देशों में जो नगर नियोजन है उसमें अंतर पाया जाता है। जैसे विकसित देशों में नगर एक योजनाबद्ध तरीके से बसाए जाते हैं, जो भी विकसित कंट्री हैं डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर जो नगर बनाए जाते हैं वो एक योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते हैं। पहले एक योजना बनाई जाती है, एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग नगर बसाया जाता है। लेकिन जो विकासशील देश हैं उसमें नगरों की उत्पत्ति ऐतिहासिक स्थल के रूप में होती है, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं विकासशील देश हैं वहाँ पर क्या होता है जो नगरों की उत्पत्ति है वो एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में होती है, ठीक है, जिनकी आकृति अनियमित होती है। आकृति अनियमित होती है, बिल्कुल बात सीधी सी बता रही है कि वहाँ पर कोई योजना तैयार नहीं की जाती, सीधा मुँह उठाया जाता है और नगर बसाना प्रारंभ कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक मकान बन गया, पड़ोसी आ गया, फिर उसका पड़ोसी आ गया, फिर पड़ोसी आ गए, फिर पड़ोसी, फिर इनके पड़ोसी आ गए, इस तरीके से लोग बढ़ते जाते हैं, एक अव्यवस्थित तरीके से नगर आगे की ओर बढ़ता जाता है। जिसको जहाँ पर ज़मीन मिलती है, जिसको जहाँ पर बहुत अच्छा उसके अकॉर्डिंग स्थान मिलता है वो वहाँ पर ही बसता जाता है। धीरे धीरे ऐसे अनियमित तरीके से बसते जाते हैं लोग, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ऐसा कहाँ पर होता है, विकासशील देशों में होता है, लेकिन विकसित देशों में ऐसा नहीं होता। विकसित देशों में क्या होता है, पहले एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वहां पर शहर बसाए जाते हैं, नगर बसाए जाते हैं। देखो मैं उदाहरण की बात करूं, जैसे चंडीगढ़ और कैनबरा दो नियोजित नगर हैं जो बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से बसाए हुए हैं। कौन कौन, चंडीगढ़ और कैनबरा दोनों बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से एक योजनाबद्ध तरीके से बसाए हुए नगर हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर भी अंतर कर लेते हैं कि विकासशील और विकसित देशों के जो नगर नियोजन है उसमें क्या अंतर है। देखो सबसे पहले मैं यदि बात करूँ आपके सामने विकासशील कंट्रीज़ की, तो जो विकासशील देश हैं उसमें देशों में नगरीकरण के स्पष्ट विभाजन में स्पष्टता का अभाव होता है। जो विकासशील देश होते हैं उसमें क्या होता है, विकासशील देशों में जो नगरीकरण है उसका जो स्पष्ट विभाजन है उसमें स्पष्टता का अभाव होता है, जबकि विकसित देशों में नगरीकरण स्पष्ट रूप से विभक्त होता है, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, विकासशील देशों में जो नगरों का विभाजन है वो स्पष्ट रूप से नहीं होता, ठीक है, एक योजनाबद्ध तरीके से, एक बिल्कुल क्लियर तरीके से नहीं होता, जबकि जो विकसित देश होते हैं वहाँ पर जो नगर का नियोजन है, जो नगर का विभाजन है बिल्कुल क्लियरली तरीके से, बिल्कुल स्पष्टली तरीके से होता है। देशों के नगरीकरण में कार्यों की विविधता पाई जाती है। जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पर कार्य की विविधता पाई जाती है, ऐसे नहीं है कि चलो सभी लोग एक ही प्रकार के काम कर रहे हैं, नहीं, जिसको जो काम मिला वो आदमी वही काम करना प्रारंभ कर दिया गया। ऐसा कहाँ पर होता है, विकासशील कंट्रीज में होता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज होता है वहाँ पर कार्य की विविधता पाई जाती है, आदमी खुद को जिस तरीके से उसमें स्किल है, जैसा उसमें स्किल है और जैसा उसको काम मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, किस कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, मतलब हम उसको एक कार्यात्मक आधार पर विभक्त नहीं कर सकते। लेकिन जो विकसित कंट्रीज होते हैं वहाँ पर कार्य बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे कानपुर की बात करें, एक क्या है, औद्योगिक नगर है, ठीक है, भिलाई औद्योगिक नगर है, ऐसे बहुत सारे नगर हैं जो बिल्कुल फिक्स उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जैसे जापान में शिकागो है, ऐसे बहुत सारे नगर हैं जो फिक्स कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं,
बहुत सारे नगर हैं जिनमें कुछ कोई पता नहीं चलता कि क्या काम हो रहा है यहाँ पर। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के मेटल के इंडस्ट्रीज़ हैं, कपड़े की इंडस्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हैं, एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, मतलब हर अलग अलग प्रकार का काम हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा देशों का जनसंख्या घनत्व कम होता है, देशों का जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। विकसित देशों का जनसंख्या घनत्व, विकसित देशों में जो नगरीकरण है, नगरीकरण की बात हो रही है यहाँ पर, नगरों की बात हो रही है, तो विकसित देशों का जनसंख्या घनत्व अधिक जबकि विकासशील देशों का जनसंख्या घनत्व कम होता है। देशों के नगरों में, ध्यान से सुन लेना, देशों के नगरों में औद्योगिक विकास उतना नहीं पाया जाता, रोजगार के कम अवसर होते हैं। और जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पर क्या होता है, औद्योगिक विकास ज़्यादा नहीं होता। ऐसे नहीं कि चलो विकसित देशों की तरह बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा हद तक, मतलब एक हम बोले बहुत ज़्यादा, तो जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं होती, बहुत ज़्यादा औद्योगिक विकास नहीं होता, वहाँ पर कम औद्योगिक विकास हो पाता है। जब कम औद्योगिक विकास होगा तो बिल्कुल जायज सी बात है वहाँ पर रोजगार के भी कम अवसर होंगे। दूसरी साइड यदि हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, विकसित देशों की बात करें, तो वहाँ पर औद्योगिक विकास बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक औद्योगिक विकास हो चुका होता है, तो इसलिए वहाँ पर उद्योगों के भी बहुत अधिक अवसर होते हैं। देशों के नगरीकरण में अधिक सामाजिक परिवर्तन पाया जाता है, ठीक है, जबकि यहाँ देशों के नगरीकरण में कम सामाजिक परिवर्तन पाया जाता है। जो विकसित देश है वहाँ पर कम सामाजिक परिवर्तन होता है, विकासशील देशों में अधिक सामाजिक परिवर्तन पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, नगरों में पेयजल, आवास, स्वेज आदि की उचित व्यवस्था होती है, नगरों में पेयजल, आवास, स्वेज आदि की उचित व्यवस्था नहीं होती। यहाँ पर देखो ध्यान से, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। जो विकसित देश होते हैं वहाँ पर आवास, पेयजल, स्वेज आदि की बहुत ही उचित व्यवस्था होती है, जबकि विकासशील देशों में इनकी उचित व्यवस्था नहीं होती। इनको थोड़ा उल्टा कर लेना, विकसित देशों में अच्छी व्यवस्था होती है, विकासशील देशों में इनकी अच्छी व्यवस्था नहीं होती, ठीक है। देशों के नगरों में अधिक सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है, देशों के नगरों में कम सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है, बात बिल्कुल सही है। विकासशील देशों में अधिक सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है, विकसित देशों में कम सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है, ठीक है। देशों में लोगों का नगरों की ओर स्थानांतरण काफ़ी तीव्र गति से होता है। जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पर क्या होता है, लोग नगरों की ओर बहुत तेज गति से क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, ठीक है, जबकि विकसित देशों में लोगों का नगरों की ओर स्थानांतरण काफ़ी कम होता है, ठीक है। दोनों बातें ध्यान रखना, विकासशील देशों में क्या होता है, लोग नगरों की ओर जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, नगरीकरण बहुत अधिक होता है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, विकसित कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो नगरीकरण है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, बाकी होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल होता ही नहीं, होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो बैच भी ज्वाइन कर लेना, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891935070, इनके ऊपर आप मेरे से व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और बैच ज्वाइन कर सकते हो। कॉलेज लेक्चर के लिए भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, नेट जेरफ के लिए भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, टीजीटी पीजीटी के लिए भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इन देशों में गंदी बस्तियों का जमाव काफ़ी अधिक होता है, जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पर गंदी बस्तियाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, वहाँ पर गंदी बस्तियाँ बहुत अधिक पाई जाती हैं, जबकि जो विकसित कंट्रीज़ हैं वहाँ पर गंदी बस्तियाँ बहुत कम पाई जाती हैं। विकासशील देशों में गंदी बस्तियाँ अधिक पाई जाती हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ अधिक पाई जाती हैं। जो विकसित देश है वहाँ पर झुग्गी झोंपड़ियाँ भी कम पाई जाती हैं और वहाँ पर गंदी बस्तियाँ भी कम पाई जाती हैं। विकासशील देशों में ऊर्जा संकट की समस्या पाई जाती है, विकसित देशों में ऊर्जा संकट की समस्या नहीं पाई जाती। जो विकासशील देश है वहाँ पर ऊर्जा संकट की भी एक समस्या होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ, यदि हम गाँवों को विकासशील कंट्रीज माने और यदि हम शहरों को डेवलप्ड कंट्रीज माने, विकसित देश माने, तो शहरों में आप देखते हो कि 24 घंटा लाइट आती है, शायद ही कुछ टाइम के लिए लाइट जाती है। गाँवों में मोस्टली टाइम लाइट नहीं आती, शायद ही कुछ टाइम के लिए लाइट आती है।
बिल्कुल सेम सिचुएशन ये होती है, विकसित देशों में लाइट बिल्कुल अच्छी तरीके से अवेलेबल होती है। मैं एक लाइट का एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी ऊर्जा हर तरीके से अवेलेबल रहती है विकसित देशों में। विकासशील देशों में ऊर्जा एक संकट की स्थिति में होती है, ठीक है। उपनगरों का विकास नहीं होता, जबकि विकसित देशों में उपनगरों का विकास होने लगता है। अब आप बोलोगे कि सर उपनगर क्या होते हैं? अरे भाई साहब, ये कोई नगर है, इसके दबाव को कम करने के लिए जब एक दूसरा नगर उसी के पास में, जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूर बना दिया था, ये इतना दूर नहीं आएगा, जैसे इस नगर के दबाव को कम करने के लिए यहाँ पर नगर बना दिया गया, इस नगर के दबाव को कम करने के लिए यहाँ पर नगर बना दिया गया, तो ये क्या है? उपनगर है। ये क्या है? मैन नगर है। जबकि विकसित देशों में उपनगरों का विकास होने लगता है, ठीक है। जबकि विकासशील देशों में उपनगर नहीं बनते, उन्हीं में जनसंख्या ठूंसती जाती है, वहीं पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। विकासशील देशों के नगरीय क्षेत्रों में नवीकरण एवं पुनर्निवेश की क्रिया नहीं पाई जाती। जो विकासशील देश हैं उनका जो नगरीय क्षेत्र है उसमें नवीकरण और पुनर्निवेश की क्रिया नहीं पाई जाती, जबकि विकसित देशों के नगरीय क्षेत्रों में नवीकरण और पुनर्निवेश की प्रक्रिया पाई जाती है। अब आप बोलोगे कि सर नगरीय क्षेत्र नवीकरण और पुनर्निवेश का मतलब क्या है? पुनर्निवेश का मतलब है कि वहाँ पर लोग निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर लोग लगाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर लोग सोचते हैं कि चलो यहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं, हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जैसे एक गरीब देश है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट करोगे, आपको पता है यहाँ पर लोग महंगी चीज़ें नहीं खरीदते, पहले से गरीब है, ये यहाँ के लोग कैसे लोगों सामान खरीदेंगे, ये पहले से गरीब है, तो वहाँ पर हर कोई इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करता। आप यदि एक इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो आप कहाँ पर लगाओगे? जहाँ पर लोगों की हैसियत है कि आपके सामान को खरीदेंगे, ठीक है। तो जो विकसित कंट्रीज है वहाँ पर लोग इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, हर कोई सोचता है कि मैं वहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश है, वहाँ पर इन्वेस्ट की कम संभावना होती है, हर कोई वहाँ पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। विकासशील देशों के नगर विकसित होते हुए एक दूसरे से मिलकर महानगरों के रूप में नहीं लेते, जबकि विकसित देशों के नगर विकसित होते हुए एक दूसरे से मिलकर महानगरों का रूप लेते हैं। विकसित देशों में महानगर बनते हैं जब छोटे छोटे, विकसित देशों में नगर आपस में मिलकर एक महानगर का निर्माण करते हैं, जबकि विकासशील देशों में ऐसा नहीं होता, विकासशील देशों में नगर मिलकर महानगर का निर्माण नहीं करते। बुनियादी सुविधाओं का अभाव, जो विकासशील देश हैं वहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है। अब आप बोलोगे कि सर बुनियादी आवश्यकताएं, बुनियादी सुविधाएं क्या हैं? बुनियादी सुविधाएं वो होती हैं जो हमारी रोज़मर्रा से संबंधित होती है, जो हमारी रेगुलर की ज़रूरत, रोजाना की ज़रूरत से संबंधित होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशासनिक नगरों की, प्रशासनिक नगर कौन कौन से हैं, किस तरीके से होते हैं। किसी देश के केंद्र स्तर पर राजधानी तथा राज्य स्तर पर प्रशासनिक कार्य करने वाले नगरों को प्रशासनिक नगर कहा जाता है, जहां प्रशासनिक कार्यालय अवस्थित होते हैं। जैसे भारत का यदि हम बात करें, भारत का प्रशासनिक नगर दिल्ली है, राजस्थान का प्रशासनिक नगर जयपुर है, यूपी का प्रशासनिक नगर लखनऊ है, वेस्ट बंगाल का कोलकाता है, ठीक है। मतलब जो राजधानी है वो क्या होती है? एक तरीके से प्रशासनिक नगर होता है। अब आप चाहे वो देश के स्तर पर बात करो, चाहे राज्य के स्तर पर बात करो, जो वहाँ की कैपिटल है वो वहाँ का क्या है? एक प्रशासनिक नगर है, ठीक है। और प्रशासनिक नगर में क्या होता है? प्रशासन से संबंधित कार्य किए जाते हैं, ठीक है। तो यदि एग्जाम्पल पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक नगर है, या निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक नगर नहीं है, तो ध्यान रखना यदि उनमें से कोई कैपिटल है तो वो प्रशासनिक नगर है, कैपिटल नहीं है तो वो प्रशासनिक नगर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, चेन्नई है जो तमिलनाडु का प्रशासनिक नगर है, विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया से संबंधित है, न्यू दिल्ली एक प्रशासनिक नगर है, कैनबेरा प्रशासनिक नगर है, बीजिंग अधिस अबाबा, वॉशिंगटन डीसी, लंदन, विक्टोरिया और चेन्नई, ये सारे क्या है? प्रशासनिक नगर है।
दोबारा से मैं एक शब्द में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कैपिटल है वो स्टेट की भी हो सकती है, वो कंट्री की भी हो सकती है, ठीक है। जो राजधानी है वो क्या एक प्रशासनिक नगर है, क्या एक प्रशासनिक नगर है। व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर, अब हम पढ़ेंगे व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर के बारे में। व्यापार एवं व्यवसाय से संबंधित, व्यापार एवं व्यवसाय से संबंधित कार्य करने वाले प्रमुख नगरों को व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर कहा जाता है। व्यापार और व्यवसाय से संबंधित कार्य करने वाले नगरों को क्या कहा जाता है, व्यापारिक या व्यावसायिक नगर कहा जाता है। विनीपेग एवं कंसांस को कृषि उत्पाद आधारित नगर कहा जाता है। भाई लोगों ये बातें ध्यान में रखना, कई बार क्या करता है वो अलग ही तरीके से मिलान करवा लेता है, जैसे यहाँ पर लिख दिया विनीपेग, सामने लिख दिया कृषि उत्पाद आधारित नगर, ठीक है। हमें पता ही नहीं है कि बीजिंग कृषि उत्पाद आधारित नगर है, तो हम सही कैसे करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि बीजिंग और कंसांस और बीजिंग दो नगर हैं जो क्या है, कृषि उत्पाद आधारित नगर है। फ्रैंकफर्ट एम्स्टर्डम को बैंकिंग एवं वित्तीय कार्य करने वाले नगर कहा जाता है। दो नगर है, एक फ्रैंकफर्ट है, दूसरा एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम और फ्रैंकफर्ट ये दोनों के दोनों बैंकिंग और वित्तीय कार्य करने वाले नगर हैं। मैनचेस्टर एवं सेंट लुइस अंतर्देशीय केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। और यदि हम बात करें मैनचेस्टर की, मैनचेस्टर और सेंट लुइस ये दोनों के दोनों क्या है, अंतर्देशीय केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। बगदाद है, आगरा है, लाहौर है, ये सारे क्या हैं, व्यापारिक केंद्र है। कौन कौन, बगदाद, आगरा, लाहौर, ये सारे क्या हैं, व्यापारिक केंद्र हैं। उसके बाद में मैं आगे बात करूं सांस्कृतिक नगर या धार्मिक नगर, किसकी बात करूं, सांस्कृतिक नगर या धार्मिक नगर की बात करूं, तो यहां पर भी एक नई बात निकल के आने वाली है। देखो सांस्कृतिक नगर क्या होते हैं, वे नगर होते हैं जो धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। सांस्कृतिक नगर क्या होते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे जेरूसलम है, मक्का है, जगन्नाथपुरी है और बनारस है। जगन्नाथपुरी है, बनारस है, मक्का है और जेरूसलम है, ये सारे क्या हैं, सांस्कृतिक नगर हैं जो धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और मनोरंजन संबंधित कार्यों के बारे में बात की जाए कि स्वास्थ्य और मनोरंजन संबंधित नगर कौन से हैं, पणजी और मियामी, दो नगर हैं, एक का नाम है मियामी, दूसरे का नाम है पणजी, ये सारे दोनों के दोनों क्या हैं, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के संबंधित कार्य करने वाले नगर हैं। औद्योगिक कार्य के लिए प्रसिद्ध नगर की बात की जाए तो सेंट पीटर्सबर्ग है और जमशेदपुर है। जमशेदपुर और सेंट पीटर्सबर्ग क्या हैं, औद्योगिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध नगर हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ खनन के लिए प्रसिद्ध नगर, ब्रोकन हिल है और धनबाद है। धनबाद और ब्रोकन हिल ये खनन के लिए प्रसिद्ध नगर है। परिवहन के लिए प्रसिद्ध नगरों की बात की जाए तो इसमें कोई भी रेलवे स्टेशन का नाम आ सकता है, किसी भी एयरपोर्ट का नाम आ सकता है, किसी भी शिप पोर्ट का नाम आ सकता है, बंदरगाह का नाम आ सकता है, रेलवे स्टेशन का नाम आ सकता है, किसी बस स्टैंड का नाम आ सकता है जो बहुत फेमस है, किसी रेलवे स्टेशन का नाम आ सकता है, ठीक है, किसी एयरपोर्ट का नाम आ सकता है, ये सारे क्या हैं, परिवहन के लिए प्रसिद्ध होते हैं। जैसे सिंगापुर है, मुगलसराय है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, परिवहन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई लोगों। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं नगरों का आकार। देखो नगरों के आकार के आधार पर इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं नगर की। नगर गांव से बड़े होते हैं, जो गांव का विस्तृत रूप है, गांव का ही विशाल रूप क्या कहलाता है, नगर कहलाता है। नगर क्या होते हैं, गांव से आकार में बड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ शहर की। शहर नगर से बड़ा होता है, शहर होता है जो नगर से बड़ा होता है, इनके आर्थिक क्रियाकलाप भी अधिक होते हैं, ठीक है। गांव से बड़ा नगर होता है, नगर से बड़ा शहर होता है। अब हम बात करें मिलियन सिटी। मिलियन सिटी वो होते हैं जहाँ की जनसंख्या 10 लाख होती है, ठीक है। वो शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख होती है उसको हम मिलियन सिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिलियन सिटी। उसके बाद यदि हम बात करें कॉन्ग्लोमरेशन की, सन नगर की, ठीक है,
देखो इसके आगे आप 5-10 लाइन खींच दो, जितनी भी लाइन खींचना चाहो ना उतनी खींच दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको केवल कोनरो बेसन शब्द याद करना है, ना कि सन्नगर, क्योंकि हिंदी का वर्ड नहीं याद करना, हमें केवल इंग्लिश का वर्ड याद करना है। और आप यदि ज्योग्राफी का बैच ज्वाइन करना चाहो तो बैच ज्वाइन कर सकते हो भाई लोगों 7891350470 पर, ठीक है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिनके ऊपर आप चैट करके। कोनरो बेसन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था किसके द्वारा, 1915 में पैट्रिक गेडिस के द्वारा। कॉर्नर बेसन शब्द का प्रयोग किसने किया था, 1915 में पैट्रिक गेडिस ने किया था। विस्तृत नगरीय क्षेत्र होते हैं जो अलग अलग नगरों अथवा शहरों के आपस में मिल जाने से बनता है। जो कॉर्नर बेसन होता है वो बहुत सारे शहरों या बहुत सारे नगरों के आपस में मिलने से बनता है। इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे लंदन है, मैनचेस्टर है, शिकागो है, टोक्यो है और दिल्ली है। लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, दिल्ली और टोक्यो, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉर्नर बेसन के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम बात करें विश्व नगरी जिसको हम मेगापोलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेगापोलिस। मेगापोलिस का मतलब होता है विशाल नगर। शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1957 में जीन गॉटमैन महोदय ने किया था। मेगापोलिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1957 में जीन गॉटमैन ने किया था। यह एक बड़े आकार का महानगर प्रदेश होता है। जो मेगापोलिस होता है वो क्या होता है, एक बहुत बड़े आकार का महानगर प्रदेश होता है, ठीक है। मेगापोलिस में कई सन्नगर सम्मिलित होते हैं और जो मेगापोलिस होता है वो बहुत सारे कॉर्नर बेसन से आपस में मिलकर बना होता है। बहुत सारे सन्नगर आपस में मिलते हैं तो उससे मेगापोलिस का निर्माण होता है। उसके बाद देखो भाई साहब, मिलियन सिटी, ये देखो पिछली बार जो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसमें आया था ये क्वेश्चन। मिलियन सिटी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, ठीक है, जिन सिटियों की, जिन शहरों की संख्या 10 लाख या उससे अधिक है उसको मिलियन सिटी कहते हैं। इस श्रेणी में लंदन 1800 ईस्वी में, पेरिस 1850 में और न्यूयॉर्क 1860 में शामिल हुआ था। मिलियन सिटी में बात की जाए तो मिलियन सिटी में सबसे पहले शामिल हुआ था लंदन 1800 में, पेरिस शामिल हुआ था 1850 में और न्यूयॉर्क शामिल हुआ था 1860 में। उसके यदि आगे बात करूं मैं मेगा सिटी की, मेगा सिटी की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक होती है। 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को हम क्या कहते हैं, मेगा सिटी कहते हैं। और विश्व की पहली मेगा सिटी न्यूयॉर्क थी जो 1950 में बन गई थी। विश्व की पहली मेगा सिटी कौन था, न्यूयॉर्क था, जो 1950 में बना था, जिसकी जनसंख्या 1.25 करोड़ थी, 1.25 करोड़ थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कुछ टॉपिक कंप्लीट हुए। ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो जैसे आप बैच ज्वाइन करोगे तो ये मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत शानदार तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल है सारे के सारे, ठीक है। तो आप चार्ज पे करके बैच ज्वाइन कर सकते हो और ये सारे के सारे क्वेश्चन और विद रिटन नोट्स सब कुछ ले सकते हो, वीडियो भी ले सकते हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स मेरे प्यारे साथियों, बाय। शानदार तरीके से पढ़ते रहो, ठीक है।